उ क्राफ्ट कंपेलिंग कापी यानी कि कापी के बारे में हम बात करें अब हम ये कहते हैं कि जी लिखना कैसे है सबको तो जैसे कि हमने पहले कहा research, 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 और भी रिसर्च और बहुत ज़्यादा research। फिर इंटरेस्ट यानी कि मैं आपके सब कॉपी को क्यों पढ़ूँ मैं किसी और का क्यों नहीं पढ़ूँ तो आपकी कॉपी क्यों पढ़ने के लिए मेरे लिए उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए किस किस्म का इंटरेस्ट यानी कि जो आप लिख रहे हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं उसमें ऐसी कौन सी मज़े की बातें हैं जो शायद मुझे पहले ना पता हो या आपने बड़े मज़े के तरीके से बताई हुई हो तो अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो अगर हम ये कह सकते हैं जी ये ग्लास है कांच से बना हुआ है और इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं एक तो ये चीज़ हो गई एक तरीका ये है कहने का कि ये जो कांच का ग्लास है ये थर की मिट्टी से बना है और इस ये थर की मिट्टी जो है इसको हमने आ, एक प्रोसेस से गुजारा है उसके बाद ये कांच का ग्लास हमने बनाया और इस कांच के ग्लास में ना सिर्फ हम पानी डाल सकते हैं हम और भी मशरूबात जो हैं वो डाल सकते हैं और जब आप डालते हैं तो उनको पीने का एक अलग ही मज़ा है तो बात वही है कि जी आपने एक ग्लास में के इस्तेमाल को किस तरह उसके बारे में आपने बात की तो वही हम कह रहे हैं कि जी लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो इंजेक्ट पर्सनैलिटी यानी कि आप अपने अपनी पर्सनैलिटी और ब्रांड की पर्सनैलिटी या जो प्रोडक्ट है उसकी पर्सनैलिटी और जो ऑडियंस है थोड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी भी आप डाल देंगे तो जब ये मसाले डलेंगे इसमें तो कॉपी आपकी बेहतर होती चली जाएगी अब हम क्यों बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए इसलिए एक हालांकि हम अगर हम पिछला ही एग्ज़ाम्पल लें ग्लास की बात कर रहे हैं मगर अगर उसमें थोड़ी सी पर्सनैलिटी होगी ना तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगेगा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको बेचना आसान होगा रिफाइन योर हेडलाइन यानी कि आप पहली चीज़ जो पढ़ते हैं ना वो हेडलाइन है आमतौर पे लोग जो है मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं पहले हेडलाइन लिखते हैं फिर बॉडी टेक्स्ट आता है कुछ लोग पहले पूरा लिख देते हैं और फिर उसमें से सींची हुई चीज़ जो है उसका हेडलाइन बनाते हैं तो आपने ये देखना है कि आपका क्या स्टाइल है मेरा अपना ज़ाती यही है कि मैं पहले बड़ा मज़े का अच्छा सा हेडलाइन लिखती हूँ उसके बाद उसी हेडलाइन के टोन और पर्सनैलिटी को लेते हुए बाकी सारा टेक्स्ट लिखती हूँ बट हेडलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो है जो आपको कंपेल करेगी यानी कि किसी भी ऑडियंस को आमादा करेगी कि वो आगे ये पढ़े वो आपका हेडलाइन है सिम्प्लीफाई कॉन्टेंट हम ये बात करते हुए थकते नहीं हैं और इसको हम करते रहेंगे कि जितना सिंपल जितने अच्छे तरीके से आप बात कर सकते वो करें वो चले गए दिन जहाँ पर बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे ताकि हम लोगों को बता सकें कि जी वाह वाह हमारी कितनी आला जबान है मगर होता क्या है कि वो जबान जो है वो लफ्ज़ जो है वो वहीं के वहीं रह जाते थे क्योंकि आम जो आदमी है जो आम इंसान है वो लफ्ज़ नहीं समझता ना वो जानता है तो आप बोले जाए बोले जाए बोले जाए उसकी बला से उसको ना समझ आ रही है ना उसका कोई ताल्लुक है उससे तो कॉन्टेंट को आपने सिंप्लीफाई करना है ना सिर्फ लफ्जों में बल्कि जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मत बनाएं एक्टिव वॉइस रखें सीधी सीधी बात करें टेल योर ऑडियंस व्हाट दे वांट जिस लिए आए हैं जो पढ़ने जा रहे हैं उनको दे दें वो जो चाहिए मत रोके उनसे कहानी बताएं देखें शुरू दिन से जब से इंसान पैदा हुआ है उसको कहानी का शौक़ है पहले लिख नहीं सकता था तो बोल के कहानी बताते थे जब लिखना शुरू किया है तो हम सब जो है एक कहानी सुनना चाहते हैं चाहे वो कहानी सच्ची हो या मन घड़त हो या आ, किसी भी किस्म की हो या ब्रांड के बारे में हो चाहे आप कुछ बेच भी रहे हो तब भी एक कहानी के तौर पे जब आप बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगी मेक द कॉपी विजुअली अपीलिंग अब हम बात ये करते हैं कि जो लिखने वाला है ना अब उसको थोड़ा बहुत इमेज़स uh, का भी पता होना चाहिए चाहे वो टेक्स्ट के साथ खेल रहा हो छोटा बड़ा कर रहा हो मोटा पतला कर रहा हो सिर्फ नॉन सेफ कर रहा हो या वो एक्चुअल इमेज़ के साथ खेले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए हो जाती है बात बहुत ज़्यादा क्लेवर होने की ज़रूरत नहीं हमने पहले भी बात की कीप इट सिंपल अपनी होशियारी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप जब होशियारी दिखाएंगे ना लोगों को पता चल जाएगा और वो कहेंगे हाँ जी बड़ा अपने आप को समझता है होशियार होता होगा अपने घर में तो इसीलिए अपने घर में मत रहिए हम सबके पास आइए और ऐसे लिखें ताकि सबको अपील करे वो ब्रेक द रूल्स अब मैंने इतनी सारी बातें की कि ये रूल है वो रूल है मगर बात यह है कि जब आप थोड़ा बहुत ब्रेक करते हैं तभी आपका कॉन्टेंट स्टैंड आउट करता है सो येस कीप विद इन द रूल्स बट ब्रेक फ्यू इट्स अ बैड थिंग हैव अ पर्पज बिहाइंड एवरी थिंग यू राइट किसी वजह से लिखिए ऐसे ही मत लिख दीजिए बस लिखने के लिए लिख रहे हैं उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते थे एक ज़माने में मगर कॉपी जो है या कॉपी राइटिंग जो है वो कभी भी बगैर वजह के बग़ैर किसी पर्पस के नहीं लिखी जाती डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए जिस बारे में बात कर रहे हैं उसी बारे में बात कीजिए इधर उधर की बातें जो हैं वो मत कीजिए वरना लोगों को पता ही नहीं चलेगा और जो असली बात है वो गुम हो जाएगी थिंक आउटसाइड द बॉक्स जो आप लिखना चाह रहे हैं जिस तरीके से लिखते हैं उसको एक जिद्दत के साथ लिखी एक नए तरीके के साथ लिखिए अगर आप ग्लास की बात करें ये पूरा सेशन हम ग्लास के एग्ज़ाम्पल के साथ ले रहे हैं तो हमने देखा कि जी पहला जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें हमने कहा ग्लास कांच का है जो दूसरा है हमने बात की ये ये ग्लास उस मट्टी से बना है जो थर की है यानी कि हमने थोड़ा सा डब्बे से बाहर निकल के सोचा कि जी हाँ इसको और किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है और इसी तरह कई कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं स्पीक टू योर आइडियल कस्टमर्स लैंग्वेज अब पूरी दुनिया के लिए तो आप लिख नहीं सकते तो आपको उनके लिए लिखना है जो आपका टारगेट ऑडियंस है जो आपका आइडियल कस्टमर है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो तो आपने उनको टारगेट करके उनकी ज़बान में लिखना है ऐसी जबान में जो उनको समझ आए और साथ में उनको उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है क्या फ़वाद हैं उसके उसकी बात करनी है आपने अपील टू दी इमोशन्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट खास तौर पर पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा इमोटिव कॉम है जज्बाती कॉम है तो जज्बा को अपील कीजिए हमारे को कोवो कराइए रुलाइए हंसाइए जो भी ग़ुस्सा दिलाइए इसी तरह ये जो सारे हैं, इनको अपील कीजिए और आपकी रॉइटिंग बेहतर होती चली जाएगी इमेजरी वेरी इम्पॉटेंट आप बात करते हैं कि जी एक दरख्त था तो आप बताइए कि वो दरख्त कितना चौड़ा था बड़ा था किस तरफ था राइट पे था कि लेफ़्ट पे था उसके पत्ते कैसे थे तो पूरी इमेजरी ऐसे डिस्क्राइब की कि लोगों को पता चल जाए कि ये है क्या और उनके दिमाग में और उनके जहन में एक उसका इमेज बन जाए अब सैम्पल की तरफ आते कि अगर हम कंपेलिंग क्राफ्ट क्राफ्टेड अगर एक कॉपी लिखें तो कैसे होगी हमने ग्लास का एग्जाम्पल दिया तो हम उसी को आगे लेकर जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं ग्लास और स्पार्कलिंग वाटर की यानी कि एक ग्लास जिसमें पानी है जिसमें से बुलबुले निकलते हैं ना स्पार्कलिंग वाटर जिसको कहते हैं तो कार, कार्बोनेटेड वाटर होता है उसके बारे में हमने कॉपी लिखनी है और इसको हम कैसे लिखेंगे जी पहले तो हम हेडलाइन देंगे अपनी दी बबुल्स दैट कैन मेक प्योर हार्ट सिंग ये हमारी हेडलाइन हो गई अब अगर हम इसको ये भी कह सकते थे ना जी अ ग्लास और स्पार्कलिंग वाटर बट वो उसमें क्या इंटरेस्ट है किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या अब हमने सडनली एक अपील की और हमने कहा कि द बबल्स इट कैन मेक योर हार्ट सिंग ये हमारी हेडलाइन है बॉडी जो है उसमें आ जाता है वाई हैव अ प्लेन इंसिपिड ग्लास ऑफ वॉटर वेन यू कैन रिंक Some fun and joy to this simple everyday activity by adding some sparkles.

और क्यों पिए और स्पार्कलिंग पिए इसलिए क्योंकि आपको इसको पी के मजा आएगा अगर सादा पानी पियेंगे तो उसमें क्या मजा आए इसलिए स्पार्कलिंग वाटर पिए आपको ज़्यादा मजा आएगा सो दिस इज़ हाउ वी हैव रिटर्न क्राफ्टेड आर कॉपी आई होप इट हैज़ बिन हेल्पफुल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन